हाय फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम रेलवे के लिए स्पेशल क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस से, जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, और मोस्ट टॉप 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस वीडियो में। आप पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 2019 में इनमें से कई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से है। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, उसे कहते हैं गैर वोलाटाइल स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता से। निम्नलिखित याचिकाओं में से किसका शाब्दिक अर्थ आदेश है? इसका राइट आंसर होगा परमादेश। निम्न गणमान्य व्यक्तियों में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका राइट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा कितने सदस्यों से गठित नहीं है? राज्यसभा कितने सदस्यों से अधिक गठित नहीं होती? तो इसका राइट आंसर होगा 250। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राज्यों में किस राज्य का प्रतिनिधित्व लोकसभा में दूसरे स्थान 48 सीट पर है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस भारतीय शहर में सड़क दुर्घटना में अधिकतम लोगों की मृत्यु होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने निम्न देशों में से किसका दौरा सबसे पहले किया था? राइट आंसर भूटान। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? इनमें से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके देखिए क्या दिए गए हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, और आपका एक ऑप्शन दिया गया है जातक। तो देखिए, जातक जो है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक। अगला क्वेश्चन क्या है, ऋग्वैदिक काल में समाज चार वर्णों में वर्गित किस आधार पर किया गया? शासक वर्ग के आदेश से, चमड़ी के आदेश से, या फिर दो ऑप्शन और हैं आपके, व्यक्तिगत व्यवसाय से या जन्म से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जन्म से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगुंतर निकाय और महावस्तु किसके उदाहरण हैं? तो अगुंतर निकाय और महावस्तु किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है आपके बौद्ध साहित्य के। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मोहम्मद खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? मुगल राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल सती प्रथा के निषेध से संबंध है? तो सती प्रथा के निषेध से लॉर्ड विलियम वैटिंग जी संबंधित हैं। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते समय महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन सा नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन अभियान शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? तो ये सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के किस देश को अर्धरात्रि का भूमि कहा कहते हैं? तो नॉर्वे को अर्धरात्रि की भूमि कहते हैं।
किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। पृथ्वी या किसी ग्रह के परिक्रमा पथ में वह बिंदु जो सूर्य से दूरतम हो को क्या कहते हैं? तो उसे एपिहीलियन बोलते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने परसेंट है? थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए। इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपको, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका, 78%, 0.03% या फिर आपका आंसर होगा 0.0005% या फिर 21%। तो इसका राइट आंसर होगा 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत को सीमा बोलते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी बोलते हैं। निम्न में से किस जोड़े का मेल सही नहीं है? तो विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, विटामिन B6 एस्कॉर्बिक एसिड जो दिया गया है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीन के अचानक परिवर्तन को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रमता रखती हो क्या कहा जाता है? उसका ऑप्शन सही होगा उत्परिवर्तन। लैंड स्टेनर को किस खोज के लिए नोबल पुरस्कार मिला था? तो लैंड स्टेनर को रक्त समूह के लिए नोबल पुरस्कार मिला था। राइडर कप का निम्न में से किस खेल से संबंध है? तो राइडर कप का निम्नलिखित में से गोल्फ से संबंध है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2012-13 में लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर है, देखिए वर्ष 2012-13 में पूछा गया था ये, तो इसका आप इसको रहने दीजिए, ये क्वेश्चन वर्ष 2012-13 का नहीं पूछा जाएगा, फिर भी इसका राइट आंसर 13.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है? तो चना जो है वो खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान स्थित है? तो आपको ये तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर कटक या पूसा। केंद्रीय चावल वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको क्या लगाना है, कटक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न राजाओं में कौन राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद का प्रायोजक था? तो आपका जो ये अजातशत्रु है ये प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजक था, अजातशत्रु इसका राइट आंसर होगा। बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी चंपारण है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी थे। बिहार में किस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है? तो सोनपुर का सबसे लंबा है। टेटनस रोग किसके कारण होता है? टेटनस रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। गर्मियों में मरीचिका किस घटना के कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से दिखाई देती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। साबुन या डिटर्जेंट का घोल अम्लीय होता है। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स अयस्क है आपके सोडियम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। प्रथम जनरेशन कंप्यूटर की विशेषता इसके किसके उपयोग में से है? तो वो वैक्यूम ट्यूब के उपयोग में से है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर संकेतक हाथ का आकार ले लेता है जब यह होता है हाइपरलिंक पर। प्रिंटर और मॉनिटर किसके उदाहरण हैं? तो प्रिंटर और मॉनिटर सूचना के उदाहरण हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसमें कौन सा मेल सही नहीं है,
तो इसमें आपका एम एफ हुसैन तबला वादक जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये रहे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि ये सारे रेलवे में पूछे गए हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। तो डेली इसी तरीके से मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा टॉप 50 क्वेश्चंस का। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।